बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाकफियतनामा क्लास 3 का यूनिट 1 ज़ाती हिफाजत यानी पर्सनल सेफ्टी सीखने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं उसका लास्ट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हासलाते तालुम। इस टॉपिक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि चंद कुदरती आफात के बारे में और इनसे महफूज रहने के तरीके जान सकें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 9 पे और हम बात करने वाले हैं आफत यानी डिजास्टर के बारे में। कभी कभार बड़े हादसात हो जाते हैं जिनसे बहुत तबाही होती है। इनमें इंसानों और जानवरों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे हादसे को आफत कहते हैं, ठीक है। आफत की जमा होती है आफात, कुदरती आफत। ऐसा हादसा जो कुदरत की तरफ से रूपजीर हो कुदरती आफत कहलाता है, जैसे कि जलजला, सैलाब, आंधी, समुद्री तूफान, लैंडस्लाइडिंग और वबाई अमराज जैसे कोरोना वगैरह कुदरती आफात हैं। तो आप ज़रा तस्वीर को गौर से देखें। सबसे पहले तस्वीर है जलजले की, यानी जिसमें ज़मीन हिलती है और इमारतें गिर जाती हैं। उसके बाद सैलाब है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, आंधी है जिसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, समुद्री तूफान है जिसमें कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के साथ पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग है जिसमें कि पहाड़ों से पत्थर वगैरह नीचे गिरते हैं, और वबाई अमराज जैसे कि हमने बात की कोरोना की, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हैं सब नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब हम सीखेंगे सैलाब के दौरान एहतियातें। सैलाब के दौरान घर से बाहर ना जाएं, सैलाब के पानी में साइकिल चलाना या तैरने से बाज रहें। अगर सैलाब का पानी घर के अंदर दाखिल हो जाए तो किसी ऊंची जगह पर मुंतकिल हो जाएं, यानी आपने उस पानी के अंदर नहीं जाना। आप जैसे छत पे जा सकते हैं या अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर है तो आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। जलजले के दौरान एहतियातें जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जलजला किसी भी वक्त आ जाता है और आपको पता नहीं चलता, तो आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। अगर आप घर में हो तो किसी मेज़ के नीचे घुस जाएं, शीशों, दीवारों और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो नीचे गिर सकती हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 पे। खड़े ना रहें, बैठ जाएं। अगर घर से बाहर निकलने का वक्त मिल जाए तो बाहर किसी खुली जगह पर बैठ जाएं। और आपने कोशिश करनी है कि जलजले के दौरान आपने ज़्यादा दौड़ना नहीं है, आप जहाँ भी खड़े हैं आपने वहाँ बैठ जाना है। अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल रही है जैसे कि टेबल वगैरह, आप उसके नीचे चले जाएं। जैसे कि सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, आप वहाँ पे भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अगर बाहर हों तो आप क्या कर सकते हैं? इमारतों और बिजली की तारों से दूर रहें, क्योंकि इमारतें बहुत ऊँची होती हैं और वो आपके ऊपर गिर सकती हैं। और तारों से क्या होगा, आपको करंट लग सकता है। आग वाली जगह से फ़ौरन दूर जाने की कोशिश करें क्योंकि आग फैल सकती है। इमारत में धुआं भर जाने की सूरत में रींग कर बाहर आएं और मदद के लिए पुकारें। जी बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धुआं है तो आपने वहाँ से चलते हुए बाहर नहीं आना, क्योंकि आपके सारे एटमॉस्फेयर में आपको धुआं नज़र आएगा। आपने नीचे बैठ जाना है और लेट के यानी रींगते हुए बाहर जाना है, क्योंकि वहाँ पर धुआं कम होगा क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ उठता है। अगर आग कम हो तो पानी डालकर बुझाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, अगर आपने देखा है कि आग लग गई है और आग कम है तो पानी डालकर बुझाने की कोशिश करें, और अगर आग बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ से बाहर निकल जाएं। जी बच्चों, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है आफत यानी डिज़ास्टर के बारे में। और मुझे ये बताएं कि नेचुरल डिज़ास्टर किसको कहते हैं? जो कुदरती तौर पर आते हैं, जैसे कि जलजला, सैलाब, आंधी, समुद्री तूफान और कोई भी वबाई मर्ज, ठीक है। अब आपने क्या करना है? और आपने जलजले और सैलाब के दौरान एहतियाती तदाबीर को याद रखना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।